बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू लिशी विद मॉम। आज मैं आप लोगों के साथ बेकरी स्टाइल सॉफ्ट प्लेन केक की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो अभी लिशी विद मॉम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हर रोज़ आप लोगों को मिलेगी एक नई रेसिपी। तो बेकरी स्टाइल सॉफ्ट प्लेन केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए हैं और इनकी जर्दी और सफेदी को हम अलहदा कर लेंगे। और अब इसमें से जो वाइट पार्ट है यानी कि अंडे की सफेदी, इसे हम बीट कर लेंगे। इतने अच्छे से बीट करेंगे कि ये बिल्कुल फ्लफी हो जाए और इसका येलो कलर जो है वो चेंज होकर लाइट पेल कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर कितना चेंज हो गया है। अब हम इसमें अंडे की जो जर्दियाँ हैं वो ऐड करेंगे और इसे दोबारा बीट कर लेंगे। और इस पॉइंट पे हम इसमें साथ ही शुगर ऐड करेंगे। पाउडर्ड शुगर ली है मैंने 1/4 कप और ये डाल के भी हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। और साथ ही इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, 1 पिंच मैंने येलो कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो मत करें। और अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, 1 कप मैंने मैदा लिया है। और साथ हम इसके बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। और अब हम मैदे को अच्छे से छान लेंगे और इस लिक्विड बैटर और मैदे को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। 1 डायरेक्शन में मूव करते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे और इतनी देर तक करेंगे जितनी देर ये मैदा बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो जाता। और आप लोग देख सकते हैं कि बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। यहाँ मैंने स्क्वायर शेप का मोल्ड लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम लोग बटर पेपर लगाएंगे और उसके ऊपर भी ऑयल ब्रश कर लेंगे। तो मोल्ड अच्छे से रेडी हो चुका है। अब जो हम लोगों ने केक का बैटर रेडी किया है वो इसमें डालेंगे। इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। तो ये बेक होने के लिए रेडी है। इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए। केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है। मैंने इसको ऊपर वाली साइड पे भी हल्का सा कलर दिया है। और अब हम इसकी जो साइड्स हैं वो ट्रिम कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर शेप में आ जाए। और वैसे भी साइड्स हम इसलिए भी ट्रिम करेंगे ताकि ये थोड़ा नीट हो जाए साइड से भी। आप लोग देख सकते हैं वैसे भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, कटिंग से ही पता चल रहा है ये कितना सॉफ्ट है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे उस तरीके से जैसे ये हमें बेकरी से मिलते हैं, स्क्वायर शेप में और जैसे केक रस की शेप होती है उस शेप में। आप लोगों के साथ केक रस की भी रेसिपी जल्द ही इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और अब मैं सारे पीसेस की इसी तरह कटिंग कर लूँगी। जितनी देर मैं पीसेस की कटिंग कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी भी पसंद आई होगी, तो थम्स अप। तो तैयार है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, सॉफ्ट प्लेन केक बेकरी स्टाइल में। तो बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और लाइक और शेयर करना तो मत ही भूलें। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्रेकफास्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन पर भी क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर वीडियो पहले आप तक पहुंचेगी। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।